दिल्ली मैच मेडल लौटाएंगे कुर्दिस्तानी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने ओआरओपी नोटिफिकेशन को पूरी तरह से किया है खारिज। डॉक्टर कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 4000 किलोमीटर तक मार करने की है क्षमता। बिहार में हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन दौरे से पहले प्रोट दिखने लगा है और इसी का असर है यूके पार्लियामेंट के बाहर लगे मोदी नॉट वेलकम के पोस्टर। दीपावली के मौके पर आतंकी हमलों की संभावना, आईबी ने राज्यों को जारी किया अलर्ट, तो वहीं इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने सतर्क रहने की दी सलाह। म्यांमार में बनेगी आंग सान सू की सरकार, सत्ताधारी यूएस जीपी ने स्वीकार किया सू की बन सकती हैं राष्ट्रपति। आईएसएस चीफ मोहन भागवत ने प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रपति भवन मुलाकात की। बिहार में बीजेपी को मिली हार पर समीक्षा करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि हम बिहार की जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नई सरकार राज्य की प्रगति के लिए काम करे। भागवत के आरक्षण वाले बयान पर जेटली ने कहा कि कोई चुनाव एक बयान के ऊपर तय नहीं होता है, आर की जिम्मेदारी सबकी है। अरुण जेटली ने कहा कि महागठबंधन का वोट आपस में ट्रांसफर हुआ है, वोटों का गणित समझने में गलती हुई, वोटों के गणित में हराया। काम कर रहे हैं तो लगता था कि ये गणित इतना सरल नहीं होगा और इसलिए चुनाव में ये तीनों एक दूसरे का अपना टोटल वोट ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, वो अनुमान और आकलन हमारा गलत था। बिहार के नतीजों पर आजम खान ने कहा कि बीजेपी के हार से देश में अमन चैन का माहौल बना है, बीजेपी जीत जाती तो अमन को राम में बदल जाता, बिहार के नतीजों ने साबित किया देश के हिंदू मुस्लिम सेक्युलर। और कितना प्यार है उन बिहारवासियों से, दिल चाहता है अपनी सारी खुशियां उनको दे दें जिन्होंने देश बचा लिया, जिन्होंने हम जैसे कमजोरों को बचा लिया, उन्होंने न जाने कितने गांवों की कुटियों को बचा लिया, बहनों की इज्जतों को बचा लिया, बुजुर्गों की मौत व हत्या को बचा लिया, उन्होंने खून में नहाने से पूरे देश को बचा लिया। कैलाश विजयवर्गीय ने शत्रुघ्न सिन्हा की तुलना कुत्ते से करते हुए कहा कि कुत्ता नीचे गाड़ी के चलता है तो कुत्ते को लगता है गाड़ी इसके भरोसे चल रही है, साथ एक पक्षी के भरोसे नहीं चलती, पूरा संगठन होता है। कुत्ता समझता गाड़ी मेरे भरोसे चल रही है, ये पार्टी कोई एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती है, पूरा संगठन है। कैलाश विजयवर्गीय पर शत्रुघ्न सिन्हा ने किया पलटवार, ट्वीट कर कहा आती जोले बिहार के हजार। बीजेपी तो मोमार्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा के लाल नीतीश से मुलाकात करने पर कार्रवाई करने की बात कही। बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी ने उस समय तो बयान दिए और उस पैकेजिंग के वो बयान हिस्सा बन गए और पार्टी निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी, हमारी पार्टी में सब वरिष्ठ लोग बैठे हुए इन सब चीजों को देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई सुझाव देने की जरूरत है, क्योंकि उस पैकेजिंग का कोई हिस्सा रहा हो तो कार्यवाही तो होगी। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से मुलाकात की और लालू यादव को बिहार में मिली जीत की बधाई दी, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस महागठबंधन ने बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। इससे पहले बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और बिहार में नीतीश कुमार के काम की तारीफ भी की थी। प्रगति के मामले में, सुशासन के मामले में नीतीश बाबू का बहुत जबरदस्त योगदान रहा है, नीतीश बाबू जो हैं ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, इसलिए और इनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही है। बिहार में बीजेपी की हार के बाद पार्टी में ही शत्रुघ्न सिन्हा पर उंगलियां उठने लगी हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि उन्होंने पार्टी विरोधी कोई काम नहीं किया। कोई एक्शन लेने की सोच रहा है क्यों, मेरा भूल क्या है, मेरा अपराध क्या है, मैंने कभी कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं की, मैं ही एक गरीब और शरीफ आदमी रह गया हूँ जिसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी के हार पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हार के कारणों पर समीक्षा होनी चाहिए, शत्रुघ्न सिन्हा आर के सिंह की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि कुछ कमियां रह गई है। किस सीटों के बंटवारे में जो गड़बड़ी हुई है या कहीं कहीं लोग कहते हैं कि पैसों का खेल हुआ है, लोग कहते हैं ऐसा, बहुत लोगों को डिजर्विंग लोगों को आपने हटा दिया, अपनी मस्ती में अपनी शान के दम के चक्कर में,
तो ये सबकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। बिहार के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी के फैसले को समझदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में चेहरा न बनाए जाने से पार्टी की बड़ी हार हुई है। राइटिंग ऑन द वॉल बिल्कुल सामने था और इतनी बुरी तरह पराजय होगी ये तो शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हमें दिखाई पड़ रहा था, लेकिन हमें दूर रखा गया। को इस पे बैठना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद आपने इतने लोकप्रिय आदमी को बिहार में बिहारी बाबू को आपने दूर रखा, ये भी कारण हो सकता है। बिहार में चुनाव लालू नीतीश की जीत पर शत्रुघ्न सिन्हा ने बधाई दी। लालू यादव उभर के आए हैं, कितने जोर शोर से उभर कर आए। नीतीश बाबू ने कितना अच्छा अपने व्यक्तित्व को उभारा और राजनीतिक व्यक्तित्व को खासकर, और सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पे इतना आगे बढ़े हैं लोग, और ये सब बधाई के पात्र हैं। बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण ने बिहार में बीजेपी की हार पर कहा है कि आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान से नुकसान हुआ है, वहीं पाकिस्तान पर अमित शाह के बयान से नुकसान हुआ है। जो ऐसे समय में बयान आना, वो पिछड़े और दलित समाज के जो लोग थे उनके मन में अविश्वास पैदा किया भाजपा के प्रति। शत्रुघ्न सिन्हा का जन आधार क्या है? शत्रुघ्न सिन्हा के विरोध के बावजूद ही उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी सब सीट जीत गई। हाँ आप दिया उन्होंने, वो अपने आप में सिकंदर अपने को मान ले वो अलग बात है। बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने बिहार में हार पर बोलते हुए कहा कि हार जीतते ही एक ही सिक्के के पहलू है। मंत्री जी ने क्यों इतनी सभाएं कर दी? अरे भैया ये सब बातें हैं कोई, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं और जनता का जनादेश सर माथे पर, जनता जनादेश जो देती है, जो फैसला देती है, वो फैसला जो है वो सबको स्वीकार होता है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। लालू ने कहा कि मोदी ने पीएम पद की गरिमा गिराई है, मोदी के खिलाफ देश में गुस्सा है, मोदी से कार्यकर्ता प्रचारक है। वन बैंक वन पेंशन पर बोलते हुए मनोहर पर्रिकर ने कहा कि जनतंत्र में हर किसी को मांग करने का अधिकार है, हमने मुख्य मांग को पूरा कर दिया है, अगर कोई समस्या है तो कमीशन उस पर गौर करेगा। जो हमने बोला था पत्तरी वो हमने सब उसमें इंक्लूड कर दिया है, और वीआरएस का भी डिफिकल्टी निकाल दिया है, वो हर एक को एक रैंक में एक पेंशन वो हमने पूरा कर दिया। लीगल सर्विसेज कॉन्फ्रेंस के मौके पर दिल्ली में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि न्यायालय के प्रति जागरूकता बढ़नी चाहिए, लोकतंत्रों को ने कम समस्या में बड़ी कामयाबी पाई है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में डीटीसी बस में आग लग गई, आग के चलते मेट्रो को भी रोकना पड़ा, मेट्रो पुल के नीचे ही बस धू कर जल थी। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, साइक्लोन के तमिलनाडु पहुंचने के आसार हैं, जिसके चलते चेन्नई में भारी बारिश हो रही है। बीसीसीआई की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, इन श्रीनिवासन को आईसीसी चेयरमैन पद से हटा दिया गया, शशांक मनोहर अब ये पद संभालेंगे। मचाने पड़ोसी से मारपीट की शिकायत थाने में दर्ज करवाने गई महिला को थानेदार का ही शिकार होना पड़ा, थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज करवाने की एवज में महिला से उसकी अस्मत का सौदा डाला। हापुड़ में महिला ने एक युवक पर बलात्कार करने का आरोप लगाया, प्रेम प्रसंग के चलते महिला ने युवक पर होटल में ले जाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। बेटे के चाह में पति हत्यारा बन बैठा, मामला हरोई के थाना हरियावा के लिलवला गांव का है, जो चिराग के चाह में युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। कानपुर में दीपावली के त्यौहार पर घर को झालरों से रोशन करते समय करंट लगने से युवक की मौत हो गई, मामला थाना किदवई नगर के निरावल नगर का है। मेरठ में मामूली विवाद में पति ने पहले पत्नी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लखनऊ में कैबिनेट ने इनोवेटिव आइडिया देने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इनोवेशन फंड गठित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही इलेक्शन ड्यूटी में किसी कर्मचारी की मौत पर मुआवजा बढ़ाने का फैसला लिया है, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा आयुक्त लागू करने का भी फैसला लिया है। ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, एक इनोवेशन फंड बनाने का काम होगा, जयप्रकाश इंटरनेशनल जो बन रहा था तो उसमें कुछ नई चीजें जुड़ी हैं, खाद्य सुरक्षा नियम जो लागू होना था, सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी बिल, उसको उत्तर प्रदेश लागू करने जा रही है। लखनऊ के सिन्नर थाना क्षेत्र के लूट के इरादे से गुस्से बदमाशों ने महिला की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए, मामला शाहपुर कॉलोनी का है।
लखनऊ के अस्तोग इंटर कॉलेज के पास राकेश जसवाल नाम के शख्स को उसके साथ काम करने वाले लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन एरिया में बनी सेविल डेक सोसाइटी में रहने वाले लोग रेजिडेंट्स ने अपनी सोसाइटी के सामने प्रदर्शन किया, गेट पर ही रहने पर बैठ गए। जयपुर में साकार होता दिख रहा है सपना, गांव में तरक्की की प्यार बह रही है। 12 में समाचार पर खबर का बड़ा असर हुआ है, यहां एक स्वास्थ्य पर गैंगरेप के बाद उसका न्यूज बनाकर उसे ब्लैकमेल करने के मामले में डीआईसी ने केस दर्ज करने के आदेश दिए। बरेली में निर्माणाधीन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। कानपुर में घाटमपुर सड़क क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक टेम्पो और एक ऑटो में टक्कर मार दी जिससे टेम्पो चालक की मौत हो गई। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है, इस बार दीपावली में लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त गौधली बेला 5:44 से लेकर 7:15 तक है। आधुनिक जीवन शैली ने पारंपरिक परंपराओं पर गहरा असर छोड़ा है, इसी कड़ी में कुम्हारों का व्यापार भी है जो आज की आधुनिकता के आगे तेजी से एक चर्चा नजर आ रहा है। चौथी के कक्षा 8 छात्र का पहले अपहरण किया गया लेकिन प्लान नाकाम होते देख आरोपियों ने छात्र की हत्या कर दी। दीपावली को सुखद और खुशियों से भरा बनाने के लिए तेज धमाकों वाले पटाखों से दूर रहने की अपील करने के लिए जब विकलांग बच्चे सामने आए तो नृत्य फरुखाबाद के निर्देशित मॉडलों ने भी यही अपील की। ताशकंद कोतवाली के नगला बेरिया में एक युवक की शराब के ठेके पर ईंटों से कुचलने के बाद गोली मारकर बेरिया में हत्या कर दी गई। बताया कि बाजारों में दीपावली पर चाइना माल की खूब मांग हो रही है, दीपावली पर घरों को जगमग करने के लिए चाइना मेड सालर की खूब बिक्री हो रही है। रवाज के मुठीगंज थाने की पुलिस ने बैंकों के बाहर से पैसा निकालकर जा रहे लोगों से लूटपाट और महिलाओं के साथ चिनती करने वाले लुटेरे गैंग के आधा दर्जन से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया। धनतेरस के त्यौहार पर बरेली में भी लोगों ने जमकर खरीदारी की जिसके तरह पर व्यवसायी काफी खुश नजर आए, लोगों ने सोने चांदी की भी जमकर खरीदारी की। बड़ापुर में विदेश में नौकरी के नाम पर कई युवाओं से ठगी का मामला सामने आया है, जो आज 7 रुपये एक्सपर फर्जी वीजा दे दिया। फैजाबाद युवक की हत्या कर उसका शव पेड़ से लटका दिया गया, मृतक की जेब से बरामद सुसाइड नोट बरामद हुआ। नोएडा में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के घर का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। नोएडा के सेक्टर 63 में नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने 29 लाख रुपये की लूट को अंजाम दिया। देवरिया में रबी फसलों की बुआई के समय नकली बीज और खाद बाजार में आने से प्रशासन हटक में आ गया है, प्रशासन ने कहा कि बीज भंडारों पर सैंपलिंग की जा रही है। फैजाबाद में चोरी छुपे पटाखे बनाना एक घर में विस्फोट होने से घर की छत उड़ गई और पटाखे बनाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। मेरठ पुलिस लाइन में एक सिपाही की पत्नी ने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली, आनंद फानंद में महिला को अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फरुखाबाद पंचायत चुनाव के चौथे चरण में मोहम्मदाबाद ब्लॉक क्षेत्र के प्रत्याशी और इनके वाहन के चालक को पकड़वाकर थाने में जबरन बचाने के मामले में डीएम एसडीएमसी और कोतवाल के खिलाफ अदालत में परिवाद दर्ज करवाया गया है। मिर्जापुर के खाद्य और औषधि विभाग के सैंपल जांच में बिस्लरी का पानी मानकों पर खराब नहीं हुआ है, विभाग के अधिकारी पानी को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। धनतेरस के अवसर पर सहारनपुर पर लोगों ने जमकर खरीदारी की, हालांकि बाजार में पिछले सालों के मुकाबले बर्तनों के व्यापार में कुछ कमी जरूर देखने को मिली। अलीगढ़ में धनतेरस पे बर्तनों की दुकानों पर लोगों के ने घर और रसोई के सामान खरीदे, दुकानदारों ने बताया कि उस बार लोगों का रुझान ब्रांडेड आइटम के तरफ ज्यादा रहा। बसवा के थाना मगोड़ा थाना क्षेत्र में वाली डिंडरा में 1.5 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने नेता के घर दावा बोल दिया, वारदात के दौरान बदमाशों ने करोड़ रूपये का माल लूट लिया। पिछौर के शिवा काला इलाके में रुस्तम ढाकी गांव के एक घर के बाहर पटाखे छोड़ते हुए 4 मासूम बच्चे झुलस गए जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। औरैया में अपने घर की रंगो रोगन के लिए मिट्टी की खुदाई करते समय झीला धसकने से 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि एक महिला और उसकी नवजात बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। गाजियाबाद पुलिस ने परिवार को 2 साल से बिछड़ी उसकी औलाद से मिलवा दिया, हरियाणा के रोहतक जिले से लापता 6 साल के दीपांशु को गाजियाबाद पुलिस ने लखनऊ के शेल्टर होम से ढूंढकर उसके परिवार को दीपावली का तोहफा दिया। मैनपुरी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई, रोडवेज बस और प्राइवेट बस में आमने सामने उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई, हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
चित्रकूट में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। साथ ही महिला की भी शिनाख्त कर ली गई है। हापुड़ के पलखलापुर पर इलाके के डूरी पेट्रोल पंप के पास बदमाशों ने लाखों के लूट को अंजाम दिया। 10,000 नगद, 2 स्मार्टफोन, एक डायमंड पेंग और एटीएम सहित लूट को अंजाम दिया गया। हापुड़ में जमीन जायदाद से गर्भ स्टेशन में 1400 के प्लॉट की लाश में एक भाई ने अपने चचेरे भाई की सफारी के लड़के साथ मिलकर हत्या करवा दी। रायपुर से पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामला थाना मोतीपुर इलाके का है। जो एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धर्मनगरी काशी में खास फलों और सब्जियों से बनी मिठाइयों की धूम है, पर महंगाई के कारण लोगों का उत्साह जरूर कम हो गया है। दीपावली के दिन घरों को दीपक के बजाय मोमबत्ती और रंग बिरंगी जालरों की चमक से कुमारों को राशि पर लगा दिया है, जिसके चलते ज्यादातर कुमार अपने पुश्तैनी काम को भी छोड़ चुके हैं। शाहजहांपुर में बाइक सवार लुटेरों ने एक राइस मिल मालिक पर गोलियों दाग दी, जिसमें 10 लाख रुपए भी लूटे गए। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साहसिक खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए आगरा में हॉट एयर बलून फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में नशे में धुत एक सिपाही का ड्रामा देखने को मिला, हालांकि सिपाही कैमरे से बचना चाह रहा था। बहराइच जिले में ताबड़तोड़ लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर में धनतेरस पर सराफा व्यवसायी की दुकानों पर जमकर खरीदारी। अयोध्या में धनतेरस पर बाजार में खूब खरीदारी की गई। धनतेरस पर अयोध्या में सीता मां को घरों में स्थापित किया गया। बागपत कस्बा टीकरी में आयोजित राठी खाप महासम्मेलन में दूर दराज से आए खाप चौधरियों ने समाज में फैली कुरीतियों को एकजुट होकर दूर करने का आह्वान किया। इलाहाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के नियमों का पालन करने के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक रैली का आयोजन किया। रैली में ट्रैफिक पुलिस के साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। बाराबंकी बीते दिनों कुर्सी थाना पर एक बार वाहन के ड्राइवर नूर आलम को पुलिस ने 63,000 रुपये की फर्जी लूट की शिकायत करना काफी महंगा पड़ गया। नूर आलम पुलिस को गुमराह करने और लूट की फर्जी कहा निकलने के कारनामे ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। गाजियाबाद की पुलिस की साहबाद पुलिस ने बावरिया गैंग से बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। निस्कौली गांव में लगातार हुई वारदात के खुलासे का दावा किया है। यूपी पुलिस अपने आप में कितनी मुस्तैद की वानगी। आगरा में सामने आई तो एक शख्स पुलिस के नाक के नीचे राज्यपाल की सुरक्षा में सेंध लगा रहा था। आगरा के एक बागी के छात्र ने मन की हसरत पूरी नहीं होने पर लुटेरा बन गया। नोएडा के रहने वाले डॉक्टर वेद प्रकाश ने अपने बेटे सुशांत से वादा किया था कि जब वे अपना वादा पूरा ना कर सके तो बेटा मन की हसरत पूरी करने के लिए लुटेरा बन गया। महिला कल्याण राज्य मंत्री तनवीर फातिमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला कल्याण और रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान के आवंटित किए गए बजट पर भी समीक्षा की। बर्तन बाजार से लेकर खीले बताशे या फिर आतिशबाजी का बाजार हर तरफ खरीदारी के लोगों की भीड़ जुटी हुई है। लोग शुभ मुहूर्त देखकर वाहन खरीद रहे हैं। हल्द्वानी में दीपावली के अवसर पर 80 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। महंगाई के बावजूद जहां लोग में उत्साह है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि प्रदेश के सही प्लानिंग न होने और किसनरी लीडरों के आगे न आने की वजह से इन 15 साल में प्रदेश का विकास कस्बे के सवाल से आगे बढ़ा है। उत्तराखंड राज्य बनने के 15 वर्ष बाद भी चंपावत जिले में विकास कार्यों की गति बेहद धीमी है। उत्तराखंड बने 15 साल हो चुके हैं, लेकिन रामनगर की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिसका दुख उत्तराखंड की अलख जुटाने वाले यहाँ के राज्य आंदोलनकारियों को आज मन के भीतर का चोट रहा है। रुद्रपुर में मंदाकिनी शरणोत्सव को लेकर खासी धूम मची है। मेले में करवाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद प्रतियोगिता और पहली बार कुमाऊनी नृत्यों की खासी धूम रही। 5 दिन चलने वाले इस मेले में हर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। धनतेरस के मौके पर श्रीनगर के बाजारों में सुबह से ही लोगों की खरीदारी का सिलसिला जारी था। महिलाएं सोने चांदी के आभूषणों के साथ बर्तनों की जमकर खरीदारी भी कर रही थी। उत्तराखंड को अलग राज्य बने 15 साल पूरे हो गए, लेकिन जल जंगल जमीन में रोजगार के जो आंदोलन छेड़ा गया था वो मांगे अभी तक अधूरी है। युवाओं के सपने अब तक पूरे नहीं हुए हैं और अब भी उम्मीदों पर दिल काट रहे हैं। खटीमा में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगाम लगाने के लिए एसडीएम खटीमा ने छापेमारी अभियान चलाया। खास छापे के दौरान कई मिठाई की दुकानों में मिलावटी खोए की मिठाई मिली।
रुद्रपुर में कुम्हारों की स्थिति बेहद खराब है। रुद्रपुर के कुम्हार राजेश कुमार कहते हैं कि पुरखों के इस काम से वो बड़ी मुश्किल से परिवार का जीवन यापन कर पाते हैं। उनका कहना है कि चाइनीज आइटम ने काम को बहुत पीछे छोड़ दिया। महंगाई की मार इस बार दीपावली पर भी देखी जा सकती है। रामनगर में दीपावली से पहले ही बाजार सजने लगे हैं, लेकिन महंगाई के चलते बाजार में ज्यादा भीड़ नहीं है। लोगों का कहना है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा महंगा। SSP केवल खुराना ने खतीमा कोतवाली में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया, तो वहीं स्थानीय जनता की समस्याओं को भी सुना, साथ ही पुलिस को जनता की समस्याओं से रूबरू भी करवाया। कोटवाल से पोखरा जा रही बस कुमखाल के पास अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिसमें एक महिला समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हिमाचली उत्पादों की मार्केटिंग के लिए राज्य सरकार ने नया कदम उठाया, जिसके तहत PPP मोड से खादी हॉट लगाकर उत्पाद बेचे जा रहे हैं। उत्तराखंड उदय उत्सव के तहत देहरादून में चल रही पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिता का सीएम हरीश रावत ने गुब्बारे उड़ाकर समापन किया है। लगभग 5 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में 5 पारंपरिक खेलों को रखा गया। दीपावली के अवसर पर जिला मुख्यालय प्रयाग के बाजार को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। व्यापार संघ द्वारा पूरे बाजार को फूल मालाओं से सजाकर ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाया गया। प्रतिमा में युवाओं के में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने और कुश्ती में युवाओं को रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से विशाल कुश्ती जंगल का आयोजन हुआ है, जिसमें कई राज्य के पहलवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। हरिद्वार में बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पदक जीते अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी योगेश पर अपने देश को आगे बढ़ाया है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में खुशीराम पार्क में साफ सफाई की। वहीं बीजेपी ने राज्य को विशेष पैकेज दिए, लेकिन अन्य सरकारों के समय पैकेज का पत्ता कट गया। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक की एक शाखा का शुभारंभ देहरादून के तिलक रोड पर किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शाखा के ऑफिस का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि प्रयास किया जाएगा कि सहकारिता बैंकों को प्राइवेट क्षेत्रों में बैंकों के समकक्ष कार्य खड़ा करना है। राज्य सत्ता दिवस और दीपावली पर्व को देखते हुए दून कांग्रेस कार्यालय में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुशील उपाध्याय समेत कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली सीएम ने विकास पुस्तिका उभरता उत्तराखंड उन्नत उत्तराखंड का विमोचन किया। इस अवसर पर सीएम हरीश रावत ने खेल पुरस्कार से खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम रावत ने शहीद स्मारक पर आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने लोगों से अपील की कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने में कमेटी देकर आ गया। हरिद्वार से बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बिहार की हार पर कहा कि जनता का जनादेश शर्माते होता है। यूपी में राज्य स्थापना दिवस काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस के मौके पर स्कूलों में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पेश किया गया। उत्तराखंड राज्य को 15 साल पूरे हो गए हैं, इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। टिहरी में स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में टिहरी के प्रभारी मंत्री अरक्ष सिंह रावत पहुंचे। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। राज्य के 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिला नैनीताल में प्रशासन द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्थानीय नागरिकों एवं गणमान्य लोगों के अलावा आंदोलनकारियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मसूरी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत मसूरी सनातन धर्म इंटर कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। मसूरी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में तीसरे दिन गायिका सोनिया आनंद ने गीतों पर दर्शक झूम उठे। वहीं विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रतियोगिता से जमकर मान लिया। सीएम रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत ने खतीमा शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने का संकल्प किया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पिथौरागढ़ के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर रामलीला मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। अल्मोड़ा डीएम कार्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देवेंद्र सनवाल को शॉल भेंट की गई। नई दिल्ली में राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हरीश रावत ने आंदोलनकारियों को शॉल भेंट की। चंपावत में राज्य स्थापना दिवस जलागम उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसके तहत गौरल चैर मैदान में लगाई गई विकास प्रदर्शनी, जिसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। उत्तराखंड राज्य के 15वें स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देवेंद्र सनवाल को स्वागत कर सम्मान किया गया।
राज्य स्थापना की 115वीं वर्षगांठ रुद्रपुर में हर्षोल्लास मनाई गई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पंद्रह राज्य स्थापना दिवस बागेश्वर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उभरता उत्तराखंड, बढ़ता उत्तराखंड विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। मुस्कानी का सात फुट लंबा विशाल पोस्टर रिलीज किया गया। इस फिल्म में मुस्कानी की भूमिका अभिनेत्री दीपिका पादुकोण निभा रही। पोस्टरों में सिर्फ मुस्कानी का लुक और तस्वीर ही है। महेश पट के आगामी प्ले मिलने दो में गुलाम अली गायेंगे, उन्होंने हाल ही में उस बारे में बताया। दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्म प्रेम रंजन पायो की पूरी स्टार कास्ट ने बीते रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। इवेंट के दौरान सूरज ने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म सिर्फ और सिर्फ सलमान के लिए बनाई है। मणिरत्नम की तमिल फिल्म ओके कनमणि का हिंदी रीमेक बनेगा। फिल्म की लीड जोड़ी के तौर पर नए चेहरों को लेने की अटकलें भी है, लेकिन पूरी संभावना है कि आलिया भट्ट हीरोइन होंगी। सुजैन खान अपने दोनों बेटे रिहान और रिदान को लेकर गोवा पहुंच गई हैं। यहां बच्चे सर्फिंग का मजा भी ले रहे हैं। सुजैन के साथ उनकी करीबी सहेलियां भी हैं, जो उनके परिवार के साथ हॉलीडे पर निकली हैं। इम्तियाज अली की अगली फिल्म पेशकश तमाशा को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड उर्फ सेंटर ने यूए सर्टिफिकेट दिया। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म दिलवाले का ट्रेलर आज रिलीज हो रहा है। रिलीज से पहले फिल्म के स्टारकास्ट ने सोशल साइट पर नया लुक रिलीज किया। दिवाली के खास मौके पर टीवी एक्टर आशीष चौधरी ने पार्टी ऑर्गेनाइज की। इस मौके पर बिग बॉस प्रेम कपल करिश्मा तन्ना और उपेंद्र पटेल पहुंचे। एक्टर रितेश देशमुख यहां वाइफ जिनेलिया के साथ स्पॉट किए। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण इन दोनों फिल्म तमाशा के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में उसकी जोड़ी ने डिनर पार्टी एंजॉय की। दिवाली के खास मौके पर डायरेक्टर संजय गुप्ता ने पार्टी ऑर्गेनाइज की। बॉलीवुड स्टार से सजी पार्टी में डीएमएल का हस्बैंड साहिल संघा के साथ पहुंचे। करण जौहर के एक खास फोटो शेयर की है, जिसमें वो शाहरुख के बेटे छोटे बेटे अब्राम के साथ दिखाई दे रहे हैं। बजरंग भाईजान ने मुन्नी बनी हर्षली को देखकर कोई भी उनकी तारीफ के बिना नहीं रह पाया। हाल ही में हर्षाली सलमान की ही फिल्म प्रेम रंजन पायो के सॉन्ग पर डांस फ्रेश बनाया। दीपिका पादुकोण के जुलेट के रेजर एड पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। आमिर खान इन दोनों अपनी आने वाली फिल्म दंगल की करने में व्यस्त हैं। अजय देवगन मस्तूरी में फिल्म शिवाय की शूटिंग से पहले वहां के सारे धार्मिक धामों के दर्शन के लिए पहुंचे।